A lot of people don't like dad jokes. And obviously it's confounding to me. I think Corbin doesn't like dad jokes. I don't like you. However, in defense of the dad joke, I think dad jokes have a very important place in the world. And here's why. Juice! Hey, welcome back to our Stupid or Exit Corner. I'm Rick. You follow us on Instagram, Twitter for more juicy content. Oh, thank juiciness! Thank you to everybody who supports on Patreon. Follow us on official Twitter account, subscribe, and hit the like button. Filter it! Today we got a video from the Slay Point. We've seen a few videos of theirs in the past. Slay! Listing your vacation rental clip. On booking.com opens the clip. What's that from? If you know what that's from, I'm deeply impressed. Clip! This is I think they did this a year ago, and they went to, I went to every Bollywood star's house in Mumbai. Stalker! We went to one, which I'm assuming he'll go to, but it looks like he went to all of them. Yeah. I think we passed by Amitabh's house maybe one day, didn't we? Maybe. We didn't stop, but I think somebody said, that's Amitabh's. I'm like, oh, cool. Yeah, the only one we actually stood in front of was Shah Rukh Khan. Oh, that reminds me of that. And he said, get out! Was it Bombay Talkies? Was where that guy went to Amitabh's house? Was that Anurag's? It was, yeah. Oh, that was a good one. Big B's house. Reminds me of that one. But we've seen kind of skits of theirs. I think we've seen some vlogs of theirs as well. They're very, very popular. 8.91 million subscribers. Every Bollywood star will be the judge of that, because I have a feeling there's a few stars you probably didn't include. मुंबई मतलब बॉलीवुड फिल्म सीरियल्स सबका यही अड्डा है तो लोगों को लगता है हम मच्छरों की तरह हर तरफ सेलिब्रिटीज ही हो गए सॉरी ओह या गुड कॉल हियर वी गो आई एम इन मुंबई हाउ कैन आई मीट सम सेलिब्रिटी इज इट इजी टू मीट सम सेलिब्रिटीज इन मुंबई दैट्स लाइक पीपल इन एलए ट्रेन तक में जगह नहीं yes. मिलती वी डिड देयर एवरीवेयर नहीं जगह तुम स्टार्स We got to meet them. Why couldn't you? One star. Amitabh Bachchan didn't call me inside his house. Bad experience. उनके मौसी के लड़के हो जो घर बुला के जया बच्चन पकोड़े परोसेगी. National park में कैसे बता दे कि यहाँ हाथी दिखेगा, यहाँ आपको चीता दिखेगा. वैसे ही मुंबई के लिए लोग एक्टर्स का सोच के आ जाते हैं. सलमान कहीं टपरी पे वड़ा पाव खाते दिख गए. एक तरफ नील मूत्रा होगा और दूसरी तरफ नितिन मुकेश. पर अगर हम ट्राई करें तो क्या हमें दिख सकते हैं मुंबई में सेलिब्रिटीज? अंकल यहाँ सेलिब्रिटी किधर मिलेगा? सेलिब्रिटी हाँ 2 किलो चाहिए था मेरे को यहाँ पे मिलता है their channel's big enough they could have just ठीक है अंकल यहाँ सेलिब्रिटी किधर मिलेगा आपको पता है क्या नहीं हर झोपड़ी हर खिड़की में झांकने के बाद अंकल चेंज कर रहे हैं यार कोई नहीं मिला तो हमने भी वही किया जो हर टूरिस्ट मुंबई आके करता है पहुंच गए सेलिब्रिटीज के घर के बाहर वहाँ पे वो चाय पीते होंगे ना बारिश में भी इतने लोग खड़े यार यहाँ पे सब लोग यहाँ से घूरते रहते कि शाहरुख पजामा बदलते हुए दिख जाए इतने लोग रहते हैं वो कभी बनियान में ना भी खुजाते हुए बालकनी में नहीं बैठ सकते यार उनको तो कच्चे भी दूसरे साइड सुखाने पड़ते होंगे आर्यन खान कभी किसी लड़की को नहीं बुला सकता कि आ जाओ घर खाली है इतने 100 फैंस के सामने क्या ही सीक्रेट घर खाली है पर गेट तो भरा हुआ है मैं इनका पड़ोसी होता ना तो हर दिन गौरी भाभी आपका सिलेंडर ले जाऊँ क्या खत्म हो गया है चीनी चाहिए थी एक कटोरी सोने का मतलब क्या है रात भी तू देखेंगे इससे अच्छा सलमान के घर के सामने सो जाओ खाली है खाली मतलब सोने के लिए सब नहीं है मतलब हाँ वैसे सलमान भाई के घर के सामने सोना सेफ भी नहीं है ये अंकल रिकॉर्ड कर रहे हैं रिकॉर्डिंग बंद करके आपका वीडियो का रिकॉर्डिंग चालू नहीं है मन्नत से सुंदर आप है आप क्या बोल रहे हैं आपकी और हमारी दोस्ती 30 फरवरी तक 30 फरवरी आएगा वरना हमारी और आपकी दोस्ती कभी क्या है ना हम लोग बचपन से शाहरुख खान को देखते आते हैं हम लोग भी कर सकते पर हम लोग क्या किया उसके लड़की के पीछे उसके लड़के पीछे रह गए मेरी बीवी है बोलो शाहरुख खान के घर पे वो टाइम नहीं है
आप लोग कहाँ से आए हैं? इतना अच्छे इंसान है आप लोग। भरपूर बकलोली कर ली पर शाहरुख यहाँ आए नहीं। बंगलो नहीं फ्लैट में रहते हैं, कितने हम्बल है यार। ये फुटपाथ चढ़ गया। सलमान भाई के घर के नीचे डायरेक्टली प्रोटीन के डब्बे मिलते हैं भाई, वहां से तो आ रही है बॉडी। Is that his store? No, it just happens to sell underneath. Big Boss host करने के बाद जब सरदर्द होता है ना तो उसकी दवाई भी यहीं से लेते हैं वो। और राजश्री इलायची भी। अरे भाई कैमरा देख कितने लगे हैं। भाई साहब हमसे ज्यादा व्लॉग तो वहाँ बन रहा है। उनसे ही फुटेज मांगे क्या इस व्लॉग का? बाकी सब चलेगा, बस इधर थूकना मना है। इसीलिए तो अजय देवगन सर यहाँ कभी स्पॉट नहीं होते। बैल्कनी से कपल्स का व्यू मिलता है तो इसलिए बैल्कनी ढक दी। सोचते होंगे कॉलेज के बच्चों की भी बंदी है पर मेरी नहीं। सुना है विकी कटरीना के शादी के दिन यही से बेवफा निकली है तू चन्ना मेरे या ऐसे गाने लाउड में बज रहे थे। इतना पास है ना घर के, मूवी का रिव्यू डायरेक्ट बता सकते हो। भाई मजा नहीं आया, रिफंड करा दो भाई। चिल्लाना जोर से। रिफंड रिफंड। एक कुर्ता का घुसंड आ रहा है अंदर से। चुप शेरा आ रहा है, मार रहे तुझे भाग। कसम खुदा की तेरे कुत्ता ने बना दिया ना। भाई गेट खुला भाई, एक बार के लिए सोहेल खान और बाद खान भी दिख जाए मार लूंगा मैं। आ जाओ कम ऑन। यस यस सलमान भाई। ये तो सलमा आंटी निकली। तो यहाँ रहते हैं टाइगर श्रॉफ, पर क्या फायदा इतने अच्छे घर का जब श्रद्धा के सामने तो पा ही दिया था। और ये है अक्षय कुमार सर का घर, बीच के एकदम सामने। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। तो उन्होंने बोला ही नहीं कि वो यहाँ आके हमें मिलेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ आके मिलेंगे। ये भी तो नहीं बोला है कभी कि उनके बेटे से वो मेरी थोड़ी कुछ फ्रेंडशिप कराएंगे। इसको घर बसाने की बातें करने हैं। बोलते हैं अक्षय सर सुबह घर से 4 बजे काम करने निकल जाते हैं, क्योंकि 6 बजे सुबह तो यहाँ पे पूरी पब्लिक आ जाती है फ्री में हगने, लोटा लेके वो भी। भाई अगर किसी को चाहिए कि कोई स्टार आपको हगते हुए देखे तो यहाँ आगे हगो भाई। सर 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 आप, आपके घर में धोऊं क्या? अक्षय कुमार का घर है ना। हाँ। कभी अक्षय जी ने खाया है क्या ये सब आपके पास? कितनी बार खाया, एक बार नहीं। क्या बात कर रहे हैं, ऋतिक ने भी खाया? हाँ। जिन हाथों ने अक्षय कुमार और ऋतिक को खिलाया वही हाथ आज हमें खिलाएंगे। वो हमें बोल के गए कि भाई अक्षय कुमार ऋतिक तो 500 देके जाते हैं मुझे, इसका 500। अबे हम नहीं है अक्षय कुमार, हमने 30 रुपए दिए। स्टंट की रस्सियां दिख गई, अक्षय कुमार नहीं दिखे। Cars are not done to scale. उल्टी गाड़ी क्यों है यहाँ पे? इतना भयानक एक्सीडेंट। ओ रोहित शेट्टी का घर, इसीलिए गाड़ी उल्टी पड़ी है। बाकी लोगों का घर होता है बंगलो होता है, इनका पूरा टावर है। एक दिन फर्स्ट फ्लोर में सोएंगे, दूसरे दिन सेकंड फ्लोर। सारे कमरे खत्म करते करते साल ही बीत जाता है, फिर नया साल शुरू होता है, फिर नीचे से स्टार्ट करते हैं। ऐसे घरों में आपके मोजे खो जाए तो कभी मिलेंगे ही नहीं। रामायण यहाँ मम्मी आवाज नहीं देती, ईमेल लिखती है कि आ जाओ खाना लग गया। कौन से फ्लोर के कौन से साइड के कौन से कमरे में आना है उसकी पूरी लोकेशन की पिन भी भेजनी पड़ती हो। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, इतने बड़े घर को साफ रखने से लगता है। और अनिल कपूर जी का घर, तुझे क्या लगता है क्या ज्यादा घना है, उनके बालकनी के पौधे या उनके छाती के बाल? विमल Is he known for like eating pawn or something like that? ऐसे जो निकलते होंगे। हाँ वो तो दिखते नहीं स्टार ने। स्टार ने दिखे। क्या करके? ये। अंकल बोले प्राइवेसी जाए तेल लेने, मैं तो झांकूंगा। दिखी क्या आपको रानी मुखर्जी? नहीं। इस ऑटो वाले का कॉन्फिडेंस देखो। अजय देवगन और आदित्य चोपड़ा के घर के बीच में इसने अपने पार्किंग स्पॉट लगा के चला गया भाई, चला गया। अरे चाबी भी उन्हीं के घर देके जाता हूँ। ये लो काजोल भाभी, चाबी कल सुबह दे दे। जब आप स्टार हो तो आपको पेड़ पे भी सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ता है। और ये सीसीटीवी कैमरा पता है किस चीज को प्रोटेक्शन दे रहा है? इस ऑटो को समझदार आदमी ने भाग खड़ी की है कि अगर चोरी होगी तो वो सिंघम से फुटेज मांगेंगे। यार सेलिब्रिटीज अपने घर पे तो मिले नहीं, मतलब सब काम पे गए होंगे। तो हम चले आए फिल्म सिटी जहाँ सारे मूवीज की शूटिंग होती है। Think 10 times before entering.
your child needs ten times, three ten times to get into an Ivy League or top 25. Oh my God. हम आधी बारी सोच के घुस गए अंदर. इसके अंदर मलयाली सिस्टम बैठ रहा है. ये डियर्स सलमान भाई पास ही होंगे. जो पिक्चर में ऐसा था और अब ऐसा हो गया है. उधर जाके तो एक्चुअली शुरू होते ही खत्म हो गया. इसलिए तो सलमान भाई को भागना था यहाँ से. इतने में कौन रहेगा, वो भी जॉइंट फैमिली. उसके दिल में तेरे लिए इतनी ही जगह थी. अक्षय कुमार ने यही किया था. समझदारी फूफू या विमल हीरोगिरी ये पीने में नहीं है. यहीं पे साइकिल लगाई थी और आज यहाँ पे सिर्फ कीचड़ है. तो यहाँ क्यों नहीं, आज क्यों नहीं चला रहे साइकिल जब हम आए यार. हर मूवी में, हर टीवी सीरियल में यही मंदिर दिखाता है. आज शूटिंग या सेलिब्रिटी को छोड़ो, मंदिर में भगवान भी नहीं है. यहीं पे सारी सीरियल्स की बहू प्रार्थना करती है और उन पे सुपर पावर आ जाती है. पता नहीं क्या हो जाता है, वो सब यही होता है. पर आज ना कोई एक्टर है ना कुछ है. मुंबई में सेलिब्रिटी मिलते हैं जब फिल्म लोकेशन में सेलिब्रिटी नहीं मिलती. कोई नहीं मिल रहा यार. मुंबई में ऑटो तक नहीं मिलती. तुम लोग स्टार की बात कर रहे हो. अफवाह सब बेकार. बारिश में रो रहा हूं ताकि मेरे आंसू छुप जाएं. अबे मिल गया शायद, वो देख. सलमान सर, ये कौन सा रीमेक है? तूने नीचे से मैजिक. फाइव जी लॉन्च हो गया, ये लैंडलाइन आया है. कमाल करते हैं, तो स्वागत नहीं करोगे हमारा? हम बिग बॉस थोड़ी है. आप जेबल के घर के नीचे, जेबल आपके घर के नीचे. टू मच फन. अबे इतनी एक्टिंग तो ओरिजिनल ने भी नहीं की. अपनी पे अगर आप असली हो तो कटरीना के साथ चैट दिखाओ. तो ऐसा है अभी कि उसने अभी मुझे ब्लॉक करके रखा है यार. मैं कैसे तुम्हें चैट दिखाऊं? रिलेट करता हूं. द साउंड इफेक्ट. क्या कर रहे हैं? सो रहा थी सब मेरा. इन्हीं को मान ले क्या? सपने अदिदास के बजट अभिवास का. कोई तो सेलिब्रिटी मिलवा दो. अमिताभ जी एक घंटे में अपने घर के बाहर आने वाले हैं अपने फैन से मिलने के लिए. आज? जी आज. मिल सकते हैं? सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ मैं. यस सच्ची, हमको आज मिलेंगे. अरे बिल्कुल, मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. जाएंगे कैसे? मैं हूँ ना, मेरी गाड़ी है ना, चलोगे मेरी गाड़ी पे? नहीं, हम पैदल चले जाएंगे. हाँ. ना पैदल फुटपाथ पे नहीं, ऑटो ले लेंगे. हाँ, ऑटो ले लेंगे. बाय बाय बाय. अरे अरे शेरा सुनो, गाड़ी निकालो. इतनी भीड़, लगता है सस्ते सलमान ने ये खबर और भी लोगों को दे दी भाई. दोनों रोड्स के बीच जो डिवाइडर होता है ना, हम वहाँ खड़े हैं भाई. ए! सामने अब इन सब के बाद वो आए नहीं तो. उन्होंने वो विंडो से देखा होगा कि यार आज बहुत लोग आए, आज मना नहीं कर सकते. आज आज स्लीप पॉइंट वाला है तो आज नहीं आते. तो कोई फिक्स टाइम है क्या? 5:30 1:30 एक घंटा और रुकना था तो फैंस के लिए पानी. जाओ जाओ, हमारे सुनते यार, वो आएंगे तभी आएंगे. रिश्ते में तो हम तुम्हारे. बात नहीं सुनना. किधर देख रहे हो भैया आप? अमिताभ जी के सामने कोई बोल सकता है क्या? अमिताभ जी इससे डर के नहीं आएंगे अब. वाला इतना टाइम लगा रहे हो. अरे यार सब ऐसा करो, सब आदमी चलो ठेल के घुस जाते हैं. मामले आदमी थोड़ी है. चलिए तो इतना भीड़ लगा जी. गेट से वॉचमैन भी निकलता लगता, अमिताभ भी निकल रहा. नहीं देखोगे यार? आओ उसके जैसा बनो. बोल गए फाइनली गेट खुले और बाहर आए अमिताभ जी. Yeah.
चलो। अबे कहाँ जा रही है ये, इनके घर में घुस जाएगी क्या? ओ भाई मैं फंस गया, किस ग्रुप में घुस गई यार, इसका बढ़िया है ये उनके साथ ही सेटल हो गई। अबे उनके ग्रुप पे घुस गई भाई, मैं रह गया अकेला। जलसा का पानी, पानी के लिए लाइन लगी है, फ्री पानी। अमिताभ जी का पानी कैसा है पानी भैया? इतना बड़ा मटका है भाई, इनको दो ग्लास भी है, हमारा नंबर नहीं। So that's it for today guys. अमिताभ जी तो मिल गए पर उनका पानी ना मिल पाया। तो हम आपके सब्सक्रिप्शन से ही अपनी प्यास बुझा लेंगे, तो सब्सक्राइब करो and we'll see you guys in the next one. सलमान, funny little video they put together. It is. Just come with the idea of just going in. Obviously you're not going to find the celebrities most of the time. Yeah, no, they're very rarely. Although I hear like Amitabh like comes out like every day or something. He comes out all the time. All I've ever heard about him, and getting to hear more because our friend Konkona knows him, is that he is the real deal in terms of being a very sweet, kind, selfless, goes out of his way person. So it doesn't surprise me that he was there. And yeah, I think whenever he's home, he does whatever he can. And he's the kind of guy who can meet somebody randomly. Mm-hmm. And a year later, see them and remember their name. He's that kind of guy. Didn't remember our name. No, but that's okay because it was hard for him to talk. His mouth was muzzled. He was handcuffed, and by me, that happens sometimes. That was a funny video. That was a funny video. It reminded me a lot of Sam, Micah's girlfriend. Her stuff that she does on Instagram and all that. The same similar type style of editing. Things, yeah. Real quick, fast, funny sound effects. Yeah. I don't know if they're Gen Z, but I think that's a Gen Z style of editing. Yeah. The sound effects are very Indian. Very. They're funny sometimes. Very funny. Just like random. They really went after Salman there. They really did. In the video. Yep, they really did. And I'm sure there was actually quite a few like jokes. There was one person's house that I didn't even know who it was. A Jay Devgan thing with his. I know he smokes. Right. Is he known for. Because that's what was that? I guess. Or maybe he did ads for it. Maybe. Okay. I don't know. Was it Pond or was it. I know he's a chain smoker for sure, like Shahrukh is. Yeah. So Joel's got to get him off that. Or is she a chain smoker too? I don't know. Yeah. But that was funny. Every video we've seen of theirs is they have good very sense entertaining. Of humor, very, very good humor in their videos. So I like it a lot. So if there's other videos that we should react to, please let us know what they are down below. Juice!